हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं SOL न्यू एडमिशन 2024 के बारे में। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि 2023 के बैच के जो ID कार्ड था वो किस तरह से आपको देखने को मिलता था। इस वीडियो में दोस्तों जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया है वो 2024 का जो SOL का ID कार्ड है वो देखने में कैसा लगता है, किस तरह से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, स्टेप बाई स्टेप आपको जो है हर एक प्रोसेस बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्पेशली ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने SOL में न्यू एडमिशन लिया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो यहाँ पे जहाँ से आपने अपना SOL का एडमिशन फॉर्म फिल किया था उसकी ऑफिशियल साइट पर आ जाना है, अपना यूज़र नेम पासवर्ड और जो नीचे कैप्चा दिया गया है इसको फिल कर देने के बाद आप सभी को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जहाँ पर आपको अपना कंट्रोल नंबर, किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, रीजनल सेंटर क्या है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो कि यहाँ पे प्रिंट आईडी कार्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट आईडी कार्ड लिखा हुआ है, ठीक इसके नीचे यहाँ पे क्लिक दिया गया है। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप सभी लोग अपने 2024 का जो आईडी कार्ड है ये यहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2024 के SOL का आईडी कार्ड है जिसमें दोस्तों आपके फ़ोटो दिया रहेगा, आप सभी का नेम, आपके फादर नेम, आप सभी का डेट ऑफ बर्थ, प्रोग्राम किस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, जेंडर क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, किस सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है और कंट्रोल नंबर यहाँ पे आपको दिया रहेगा। और एक मेन चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपका SOL का जो रोल नंबर है ये यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। SOL का जो रोल नंबर है, दोस्तों ये यहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा है, ब्लैंक दिखेगा। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि रोल नंबर क्यों नहीं दिख रहा है। ये जो रोल नंबर रहता है दोस्तों ये SOL जो है आपको SOL SMS के थ्रू जो है आपको इन्फॉर्म करता है कि आपका SOL का रोल नंबर ये है, बार कोड ये है। क्योंकि दोस्तों 2023 में ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने SOL में एडमिशन लिया था उनका भी जो यहाँ पे आईडी कार्ड जो रिलीज़ किया गया था उसमें SOL का रोल नंबर, बार कोड नहीं दिया गया था। आप सभी का इसमें जो है रोल नंबर ब्लैंक शो हो रहा है और जो रोल नंबर रहेगा ये SOL आपको SMS करके इन्फॉर्म करेगा। और यहाँ पे दोस्तों SOL के स्टूडेंट डैशबोर्ड में जहाँ से आप लॉगिन करेंगे उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। कंट्रोल नंबर आपका आईडी कार्ड में दिया ही रहता है और आपका SOL का रोल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो SOL का रोल नंबर जो है आपको मैसेज कर दिया जाएगा, वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। इस आईडी कार्ड को दोस्तों आपको जो है संभाल कर रखना है जब तक यहाँ पर आपके क्लासेस या जब तक आप सभी के कॉलेज कंटिन्यू रहेंगे। ये आईडी कार्ड बहुत काम आने वाला है और इसे आप चाहें तो बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अभी आपने एडमिशन ली अभी आप इसे डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। किस तरह से फिर रिसिप्ट को डाउनलोड करना ये भी बता देता हूँ। जब यहाँ पे दोस्तों आप बैक करके वापस आएंगे तो वापस आने के बाद आपको आईडी कार्ड के ऊपर एक लिंक दिया गया है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आईडी कार्ड के ऊपर दिया गया एक लिंक है जो कि प्रिंट पेमेंट टेक्नोलॉजमेंट, ये जो क्लिक दिया गया है सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आप सभी लोग अपनी जो है फेयर रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक कर देने के बाद ऐसा कुछ लिखा आएगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो अभी तक पे नहीं की गई है। तो यहाँ पर आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया, उसकी पेमेंट कर दी है जो भी 8,800 समथिंग थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फीस नॉट पेड एड दिखाएगा। तो आप सभी को जो है परेशान नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे आप सभी ने एडमिशन फ़ीस पे कर दी है। और ऐसे लाखों स्टूडेंट होते हैं जो SOL में एडमिशन लेते हैं और ये टेक्निकल एरर है दोस्तों। जैसे ही आपके फी रिसिप्ट को SOL जो है यहाँ पे अपलोड कर देगा, ये रिलीज़ कर देगा, आप सभी लोग जो हैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपने फी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस अप्लाई करके आप अपने SOL का आईडी कार्ड और जॉब का फी रिसिप्ट इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको अपने आईडी कार्ड या फी रिसिप्ट को लेकर या एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप कमेंट कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो करके अपने पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। वीडियो को जरूर शेयर, लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।